काजोल और रानी मुखर्जी में सबसे ज्यादा क्रेडिट कौन ले गया, ये बात मैं आपको रिवील कर देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग करता हूँ, काजोल ने फर्स्ट क्रेडिट हासिल किया बाजीगर में, भरपूर क्रेडिट मिला शाहरुख को, मिला काजोल को, बाकी किसी को नहीं मिला। एक मिला जॉनी लीवर को, एक मिला अनु मलिक को म्यूजिक के लिए, लेकिन काजोल को मिला। सेकंड काजोल को क्रेडिट मिला DDLJ में, नहीं पूरा क्रेडिट शाहरुख अकेले ले गए गुप्त मूवी में। जी हाँ, गुप्त मूवी में उनका ब्रांड वैल्यू बना, अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड तक चली गई। उसके बाद काजोल की अल्टीमेट बोलेंगी, ये दो क्रेडिट मिल गया उनको। उसके बाद उनको तीसरा क्रेडिट गया, आप गैसिंग करेंगे, प्यार तो होना ही था। जी हाँ, खुद हिट पूरी पिक्चर, अजय देवगन उस समय स्टार नहीं थे भाई, आप प्यार तो होना था, हम गए थे, हमने देखा, और सिर्फ अजय देवगन के कारण तो हम नहीं गए, हम काजोल के कारण गए, म्यूजिक के कारण गए थे, और एवरीवन जो गए। काजोल फिर हिट हुआ, फिर अजय देवगन ने अपना एक चार्म स्टार्ट किया, वो ये तीन क्रेडिट काजोल ले गई। और उसके बाद एक दो फिल्म में उनको और क्रेडिट मिला, लेकिन उतना नहीं मिला। लेकिन अब मैं बात करता हूँ रानी मुखर्जी की, क्रेडिट जाती है बाइक, नेशनल क्रश बनी, कुछ कुछ होता में पूरा क्रेडिट रानी मुखर्जी, वीर ज़ारा क्रेडिट रानी मुखर्जी, मर्दानी मूवी क्रेडिट रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी जिस फिल्म में थी उसका हर फिल्म में अधिकतर क्रेडिट रानी मुखर्जी ले गई हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है, काजोल से भी नंबर वन पे रहा है। ये मैं नहीं बोलता, ये फिल्म क्रिटिक्स बोलते हैं, क्रेडिट बोलती हैं, और इवन मूवी भी ज़्यादा किया है ले, और सुपरस्टार भी आप देखेंगे तो काजोल का कुछ एरिया था, एक अरसा था, लेकिन रानी मुखर्जी एवरग्रीन स्टार हैं, और सोलो फिल्में जो उन्होंने दी है ना अपने दम पे, वो काजोल में भी नहीं दी है। काजोल ने एक आध सोलो फिल्म दी थी, वो भी सोलो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन रानी मुखर्जी ने सोलो हिट दिया है मर्दानी मर्दानी 2, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट दोनों में अगर कोई लेके जाता है वो तो वो है, सिर्फ काजोल नहीं, रानी मुखर्जी, जिनको 7 टाइम फिल्मों का पूरा भरपूर क्रेडिट मिला है, और काजोल को मिला है 5 टाइम। ठीक है, ये पूरा ऑलमोस्ट क्रेडिट है, तो इस हिसाब से दोनों बहनें हैं। और अगर एक्टिंग सब क्राइटेरिया की बात करूं, आप कोई भी फेवरेट हो सकती है, लेकिन बॉलीवुड का क्रेडिट ओनली वन, दोनों में अगर जज करूं तो जाता है सिर्फ ओनली वन रानी मुखर्जी। होप आपको वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया और शुभकामनाएं।